Shanta Kumar is veteran leader of BJP. He has written to the party president and said that the Vyapam and other issues had dented the image of the party. Well, what Shanta Kumar ji has said has two aspects. One is relating to their own party matters, on which I don't want to comment. I think they will have to discuss in their party and decide. The other thing that he has raised is that this Vyapam is a serious issue. It should be discussed in parliament. And that is something that we agree. Shanta Kumar ji ne bhi chintit hokar. Shanta Kumar ji Himachal ke mukhyamantri rahe hain aur paristhatam neta jo hain Bharatiya Janata Party ke usme unki garna hoti hai. Advani ji, Atal ji, unke saath ke neta hain. Unhone bhi aaj yahi baat to kahi hai jo hum keh rahe hain ki Vyapam ghotale se, ललित गेट घोटाले से और जिस तरह महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की बात आई, एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है, चारों तरफ आलोचना हो रही है और जिस तरीके से ये हुआ है उससे आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उसका सर शर्म से झुक गया है, उस समाज में सामना नहीं कर पा रहा इन घोटालों का. हम शांता कुमार जी की तारीफ करेंगे. एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनकी छवि भी बहुत साफ सुथरी रही है. कभी किसी तरह का उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ. वो हिमाचल के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और कम से कम उन्होंने एक हिम्मत दिखाई. व्यापम हो या जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, ललित गेट है, इन सब गेटों से जो कल तक प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे थे कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, वो ऐसा लगता है कि वो नारा या वो बात जो उन्होंने कहा था अब उसमें कोई सच्चाई नहीं. देखिए, हमने किसने क्या कहा मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने उसको सुना नहीं है, पहली चीज. दूसरी चीज ये, हमारी जो भूमिका है, हमारा जो स्पष्ट मत है वो एक है कि देश ईमानदारी के साथ तरक्की के रास्ते पर चल रहा है. शांता कुमार जी को ये क्यों नहीं बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है. तो चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? मैंने कोई चिट्ठी उनकी देखी नहीं है. और इस तरह के तमाम जो कोई सुझाव आते हैं, किसी तरह के व्यक्तिगत सुझाव आते हैं, तो उन सुझावों के बारे में जब आएगा देखेंगे.